सो गाइस मेरा था बर्थडे, तो मेरा हमेशा से एक विश थी कि मेरे को ताज पैलेस में जाकर उनकी चाय पीनी है। आई डोंट नो व्हाई बट मेरी विश थी। तो हबी ने मेरी विश पूरी करी और हम चल दिए ताज की ओर। और ये था ताज का नज़ारा आउटसाइड का, और देखिए पूरा व्यू ताज का, ताज पैलेस। जैसे कि हम ताज पैलेस में एंटर कर रहे हैं, इतना ब्यूटीफुल था, मतलब एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब होता है ना कि किसी किसी जगह जाकर ऐसा लगता है कि वाओ दैट्स द प्लेस, और ये उसी तरह का था। और देखिए ये मैं ऊपर आते हुए एंड पूरा व्यू देखते हुए ताज पैलेस का, बहुत ही हमने इन्जॉय किया था अपने बर्थडे पर, बहुत मज़ा आया। मतलब होता है ना कि कभी कभी एक छोटी सी चीज़ में वो खुशी मिल जाती है जो आपको बड़ी से बड़ी चीज़ में नहीं मिलती है, क्योंकि जो इंसान चाहता है अगर उसको वो मिल जाए तो उससे बेटर तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। बेशक उसके सामने तुम लाकर पूरी दुनिया रख दो, और मेरे साथ वही हुआ। मेरा मन था वहाँ जाने का और मैं गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। और गाइस जैसे कि हमको चाय पीनी थी, तो हम आपको लेकर चलेंगे कैफेटेरिया की ओर, बस कुछ समय और, चंद सेकंड्स। और देखिए गाइस ये पूरा व्यू कैफेटेरिया की ओर। ताज में बफे सिस्टम भी था, 2:45 या 1:45 के अराउंड वो क्लोज़ हो जाता है, बट हम लोग तो चाय के लिए ही गए थे, तो बस हम गए कैपिटल किचन के अंदर और जाकर ली अपनी सीट, बोले तो जगह, और फिर इन्जॉय की अपनी चाय आफ्टर ऑर्डर। बट अभी ने कॉफ़ी ली कैपुचिनो बिकॉज ऑफ ही डोंट लाइक टी, बट आई लव। और देखिए ये साहू ऑर्डर करते हुए, मेन्यू देखते हुए, और ये थोड़ा सा मैंने उनसे परमिशन लेकर आपको किचन का पूरा व्यू दिखाने की कोशिश की है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डेजर्ट से ही स्टार्ट किया जाए। देखिए इस तरीके से यहाँ पूरा अच्छे से स्वीट डिशेस जो थी उनको डेकोरेट किया गया था, और उसके साथ साथ उनके प्राइस टैग्स भी वहाँ पर लगे हुए थे। देखिए गाइस, और सबसे अच्छी बात क्या थी कि हाइजीन पूरी तरह से मेंटेन थी, और पूरा मतलब जो भी चीज़ें थी ज़्यादातर सब कवर्ड थी। और देखिए ये ड्रिंक सेक्शन था, पूरा ड्रिंक्स वगैरह यहाँ पर थी, और यहाँ पर और भी पीपल थे हमारे अलावा। और देखिए इसके अंदर शानदार शाही बोटल्स, और देखिए गाइस ये है पूरी किचन ताज पैलेस की। तो बस यही था, और आफ्टर दैट हम वेट कर रहे थे अपनी टी और कॉफ़ी का, और मैंने सोचा क्यों ना एक अपनी स्नीक पिक ली जाए। स्नीक पिक मैंने ली, और देखिए गाइस आ गई मेरी चाय और हबी की कॉफ़ी। अब साहू के लिए हमको चाहिए था टिश्यू पेपर, तो देखिए गाइस किस तरीके से ये देते हैं वेट वाइप। और ये मैं इसको ओपन करते हुए, मतलब कि क्लासी था, सब कुछ क्लासी था, और जो बिस्किट थे चाय के साथ वो इतने यमी थे जिसका कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है, बहुत ही यमी बिस्किट थे। और सब हमने चाय वाय पी कर फिर वॉशरूम में गए, और देखिए पूरा वॉशरूम का व्यू, कितना ब्यूटीफुल वॉशरूम है। और हम ये एग्ज़िट लेते हुए अपना चाय पीकर, और गाइस बिल्कुल जो ताज पैलेस की बिल्डिंग है उसके जस्ट सामने एक फाउंटेन टाइप है, और मैं आपको दिखाऊंगी अभी वहाँ का व्यू। और देखिए गाइस ये रहा वो व्यू, और पूरा मैंने सोचा कि पूरा ही व्यू ले लूँ आपको दिखा दूँ कि ये किस तरीके का दिखता है। आप में से बहुत से लोग गए भी होंगे, बट जो नहीं गए उनके लिए ये देख लेंगे
जिससे कि वो कभी आए तो वो थोड़ा सा आइडिया ले पाएँ। और देखिए जो साहू जी थे हमारे, वो एकदम पानी में जाने के लिए रेडी थे, बस कैसे भी उन्हें पानी में भेज दीजिए एंड ही विल बी मोर देन हैप्पी। और तो गाइस यही सब था, और लास्ट में मैं कुछ पिक्चर्स लगा दूंगी जो कि हमारे ताज पैलेस की थी।